भारत के सबसे भयानक मिसाइल का टेस्ट सफल। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से चीन और पाकिस्तान में दहशत। भारतवासियों में खुशी की लहर। चीन से लेकर पाकिस्तान के शहरों को नस्तनाबूद करने की अग्नि 5 में है क्षमता। चीन का खिलाफ भारत ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसे सुनते ही आपका सीना गर्व और खुशी से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपने सबसे भयानक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। जिस पल का हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था, वो पल हमारे सामने है। हमें पूरा यकीन है कि आप अग्नि 5 के सफल परीक्षण की पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बेताब हैं। दोस्तों, ये परीक्षण के सफलता के बाद चीन में ऐसी खलबली मच गई है कि जिनपिंग के होश उड़ गए हैं, और वो कैसे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसा डर फैल गया है जिसकी उन्हें पहले से तो आशंका थी ही। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वो सब बताएंगे जिसे सुन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हर भारतीय इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, भारत ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। दोस्तों, ये खबर सुनकर तो जिनपिंग की आंखें चौंधिया गई होगी, और उधर इमरान मियां तो पाकिस्तान की दुहाई कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं अग्नि 5 के परीक्षण की पूरी कहानी। हम आपको इस खतरनाक मिसाइल की ताकत के बारे में भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान के खौफ और दहशत की वजह उनका किस कदर नस्तनाबूद कर सकती है। दोस्तों, भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में ऐसा इजाफा किया है जिसे देख दुश्मन देश की आंखें चौंधिया गई हैं। भारत ने 27 अक्टूबर को शाम 7:50 पर अपने सबसे खतरनाक हथियार अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया। ये मिसाइल सतह से सतह प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से साध सकती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अग्नि 5 मिसाइल को अगर भारत से छोड़ा जाएगा तो वह 5000 किलोमीटर तक बैठे दुश्मन पर सीधा प्रहार कर उसे खत्म करने में सफल रहेगी। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्नि 5 को ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से देर शाम 7:50 पर परीक्षण किया गया। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की इस प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोध वाली नीति के अनुरूप है, जो पहले उपयोग नहीं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोस्तों, मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इसीलिए भी और खुशी जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से चीन करीब 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख में अपना गतिरोध बढ़ा रहा है, उस बीच कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, ये ICBM मिसाइल है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे भारत का अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल कहा जा रहा है। इसके अलावा हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो आप सबको बिल्कुल जानना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं कि अग्नि 5 का इससे पहले सेना में उपयोग हो चुका है, इसके बावजूद इसका परीक्षण किया गया। हमें यकीन है कि ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, अगर इस बारे में आप थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसकी क्या खासियत है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अग्नि 5 की फीचर्स के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, और साथ ही जो सबसे खास बात है, यानी अग्नि 5 के परीक्षण को इतना अहम क्यों बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप काफी समय से इस मिसाइल की परीक्षण को लेकर खबरें सुन रहे होंगे, और इसका परीक्षण इतना अहम क्यों कहा गया है, आपको सब इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, 27 अक्टूबर की शाम को जैसे ही ये खबर आई कि अग्नि 5 का परीक्षण सफलतापूर्वक हो चुका है, हर भारतीय में ये खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोस्तों, जैसा हम पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अग्नि 5 मिसाइल को पहले ही भारत की सेना में शामिल किया जा चुका है, परंतु इसका फिर से टेस्ट किया गया, और वो क्यों किया गया आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण सामने आए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और इससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। हालांकि आपको बता दें कि चीन का वो परीक्षण फेल हो चुका था। दोस्तों, जिस तरह से चीन पूर्वी लद्दाख में 1.5 सालों से भारत को परेशान कर रहा है, अपने हथियार सरहद पर तैनात करने में लगा है, ऐसे में भारत को ये कदम उठाना ही था। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड में चीनियों की घुसपैठ से भारत सरकार इतनी मुस्तैद हो चुकी है कि अब चीन को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। इसीलिए अग्नि 5 का परीक्षण समय के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ये चीन के ऊपर प्रेशर बनाकर रखेगा, जिससे चीन अपना अगला कोई भी चाल चलने से पहले 100 बार सोचेगा।
दोस्तों, अब इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन इतना क्यों डरा है, ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। दोस्तों, अग्नि 5 का रेंज 5000 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो पूरे चीन को कवर करता है, और यही वजह है कि चीन इतना डरा हुआ है। और इसकी कैपेबिलिटी यही है दोस्तों कि ये भारत की जमीन से ही चीन में कहीं पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों, इसकी रेंज के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि चीन ये भी आरोप लगाता है कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। चीन ये कहता आया है कि भारत इसकी रेंज कम करके बताता है ताकि यूरोपियन देश कहीं डर न जाए। अब आप इसका खुद ही पता लगा सकते हैं कि जब हमारा दुश्मन देश इस बारे में ये बता रहा है तो वो कितना खौफ खाता होगा। वहीं इसका तीसरा कारण ये है कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अग्नि 5 का MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल के साथ में परीक्षण करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MIRV है क्या। दोस्तों, मान लीजिए कि एक मिसाइल है जो दुश्मन देश पे गिरेगी और उसे तबाह कर देगी, लेकिन MIRV के साथ ये बात होती है कि मिसाइल एक ही होती है और इसमें कई वॉरहेड्स लगे होते हैं जो मिसाइल के साथ ऊपर जाती हैं और रिलीज हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये वॉरहेड्स एक बार रिलीज होने के बाद एक साथ कई दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा सकती हैं, यानी कि मिसाइल एक ही है पर वो एक बार में कई हमले कर सकती हैं। इसीलिए MIRV मिसाइलों को दुनिया में सबसे घातक माना जाता है। लेकिन भारत ने इस पर परीक्षण किया है कि नहीं, ये बात सामने अभी तक नहीं आ पाई है। चलिए अब आपको हम अग्नि 5 की कुछ खास बातों को बताने जा रहे हैं। इसकी स्पीड 24 मैक होती है, यानी हाइपरसोनिक रफ्तार से 5 गुना ज्यादा, और इसके साथ ही ये टर्मिनल फेज की स्पीड को हासिल करने की क्षमता भी रखती है। यानी दोस्तों, जैसे ही इसे दुश्मनों पे छोड़ा जाएगा वो 24 मैक से उन पर वॉर करेगी। और इसके अलावा इसमें ये खास बात है कि एक बार अगर दुश्मनों पे छोड़ दिया गया तो ये वापस अपना रास्ता नहीं बदल सकती, ये सीधा दुश्मन पर जाके ही गिरेगी। दोस्तों, ये मिसाइल 3 तेज रॉकेट से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी रेंज अल्टीमेट हो जाती है, और यही वजह है कि चीन में इस मिसाइल को लेकर खौफ बन चुका है। अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि आखिर अब चीन इसको लेकर कौन सा अपना नया दाव खेलने वाला होगा। हम आपको ये भी बताएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।